दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा, और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। जब हम नींद में होते हैं तब हमें कोई भी आइडिया नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं, और अगर किसी को अकेले सोने की आदत है तो ये और भी मुश्किल है कि आखिर उस बंदे ने रात को क्या कुछ किया। ये पता लगाना मुश्किल है कि हम नींद में आखिर क्या कर रहे होते हैं, पता भी कैसे चलेगा, हम तो सोए होते हैं। पर आज मैं एक छोटी लड़की की कहानी बताने वाला हूँ जिसकी मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक फोटो तक भी नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता उस लड़की की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहते थे। बस एक सीसीटीवी फुटेज और उसके नाम के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है सच बता रहा हूँ रोंगटे खड़े करने वाला है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृत सिंह एंड यू आर वॉचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज़्यादा का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। बात है इसी साल 2018 की। एक लड़की जिसका नाम है कैथी, जिसकी उम्र 15 साल की है, वो रोजाना की तरह रात को यूट्यूब पर हॉरर यानी भूतिया घटनाओं जैसी वीडियोस को देखकर सोने की तैयारी में थी। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि कैथी को भूतिया चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। रोजाना की तरह कैथी यूट्यूब पर वीडियोस देख के यानी कि हॉरर वीडियोस को देख के सो गई। पर सुबह होते ही उसके माता पिता नोटिस करते हैं कि कैथी के शरीर पर कुछ ब्रूसेस यानी कुछ ऐसे निशान, कुछ चोटें जो उसके शरीर पर नहीं होनी चाहिए थी, वो ऑटोमेटिकली रातों रात बन गई। तो कैथी के माँ बाप उसे उस निशानों के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं। तो कैथी को सचमुच में नहीं पता था कि वो निशान आखिर कहाँ से आए हैं, तो मैटर वहीं पर क्लोज हो जाता है। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे सुबह उठते ही कैथी के शरीर पर उससे भी ज्यादा बड़े बड़े निशान होने लगे। तो कैथी के माँ बाप को कैथी की चिंता सताने लगी, पर डेढ़ हफ्ते के बाद वो निशान ऑटोमेटिकली गायब हो गए। उसके बाद कैथी अपने स्कूल स्टाफ के साथ समर कैंप पर चली गई, पर जैसे ही वो वहां पर सोकर उठी तो स्कूल स्टाफ वाले हैरान रह गए, उसके शरीर पर वैसे ही निशान वापस से आ गए। तो स्कूल स्टाफ वालों को उसकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद स्कूल स्टाफ वालों ने उसके माँ बाप को सूचित ना करते हुए सोशल सर्विसेज वालों को इसके बारे में बताया, क्योंकि स्कूल वालों को लगा कि उस लड़की पर उसके माँ बाप द्वारा टॉर्चर किया जाता है। उधर कैथी के लिए उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उसके बाद कैथी के माँ बाप ने कैथी के लिए एक डॉक्टर को कॉल किया और एक अपॉइंटमेंट ली। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगे तो सोशल सर्विसेज वाले आ टपके और उनसे सवाल करने लगे कि हमें स्कूल की तरफ से कॉल आई थी कि आप अपनी बेटी पर अत्याचार करते हो, टॉर्चर करते हो। पर वहीं कैथी के माँ बाप के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि वो खुद परेशान थे। उन्होंने कहा, हम खुद परेशान हैं इसके बारे में, ये क्या चीज है। पर सोशल सर्विसेज वालों ने कैथी के माँ बाप पर इतने ज्यादा एलिगेशन लगाए कि अगले ही दिन पुलिस आई और उन्हें पकड़कर ले गई। और कैथी की स्टेटमेंट के बाद उसके माँ बाप को छोड़ा गया। उसने बताया कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बेकसूर हैं। पर वहीं कैथी के पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं था कि आखिर वो निशान कहां से आ रहे हैं। और वहीं सोशल सर्विसेज वाले कैथी के माँ बाप पर नजर रखे हुए थे, और डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सियापा है, कहां से आ रहे हैं ये निशान। कैथी के माँ बाप की हर जगह बदनामी होने लगी। सोशल सर्विसेज वाले कैथी के पिता के ऑफिस में जाकर भी पूछताछ करने लगे, जिसके बाद ऑफिस वालों ने भी उन्हें निकाल दिया और वो बेरोजगार हो गया। पर एक दिन कैथी के पिता के दिमाग में एक आइडिया आया, वो मार्केट गए और वहां से एक कैमरा खरीद कर ले आए। और जैसे ही कैथी सो गई उसके बाद उन्होंने कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाकर छुपा दिया, और खुद भी ये आस लगाकर सो गए कि सुबह हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सुबह होती है और रोजाना की तरह फिर से उसके शरीर पर ताजा निशान थे। कैथी के पिता ने उसके कमरे में जाकर वहां से कैमरा उठाया और टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया, पर उन्होंने जो देखा उसके बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह नींद में चलती तो थी उसी के साथ साथ अलग अलग प्रकार की हरकतें भी करती थी, जैसे कि खुद को घसीटना, बेड के नीचे उतरकर रेंगते रहना, वो सोते हुए खुद को चोट पहुंचाती रहती थी। कैथी के माँ बाप ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए, और उसके बाद उन्होंने सोशल सर्विसेज वालों को कॉल किया और उन्हें यह दिखाया, जिसके बाद उनके ऊपर से जितने भी केस थे, मतलब एक ही केस था, वो हटा दिया गया और कैथी का ट्रीटमेंट शुरू किया गया स्लीप स्पेशलिस्ट के द्वारा। उसके बाद आखिरकार ये पता चला कि यूट्यूब पर कैथी वीडियोस देखती थी, वो भी डरावनी, जिसका सीधा प्रभाव उसके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ा। डॉक्टरों का ये कहना था कि ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बंदा जो देखता है वैसा ही बनता है। वाकई में बात सही है, जैसा सोचोगे जैसा देखोगे
वैसे ही बनोगे। और अभी तक कैथी के ऊपर इलाज चल रहा है। मेरी मानी जाए तो अभी तक झाड़ फूक करवा लेना चाहिए था, बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है। अरे मजाक कर रहा हूँ, हर चीज झाड़ फूक से ही नहीं सही होती। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, और आज का लाइक एम है 35,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, नीचे कहीं देखिए लिंक वगैरह मिल जाएगा, एक बार नजर डालिए नीचे। तो फिर से जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।